हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अपडेट्स। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके लिए ये जो पूरी इमेज वायरल हो रही संविदा शिक्षक के पीवी के अकाउंट से, तो ये पिक कितनी सही है और कितनी गलत, इससे रिलेटेड मैं आपसे पूरी बात करने वाला हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे मैं दो अपडेट लेकर आऊँ, जो कि पहला अपडेट ये है और एक और अपडेट है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। और चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो पूरी पिक वायरल हो रही है, अगर आपने अभी तक देख ली तो ठीक है, अगर नहीं देखी तो आप भी देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पीवी के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि रजिस्ट्रेशन फॉर मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक 2018 विल बी ओपन फ्रॉम 29/9/2018 टू 10/10/2018, एंड रूल बुक डिस्प्ले ऑन 18/9/2018। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 18 तारीख तक आपका रूल बुक आ जाएगा दोस्तों। तो ये कितना सत्य है, यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स ने भी इस पर वीडियो बना दिया है, और उनको मैं बता दूं कि आपको पूरी तरीके से जब तक चीज़ें नहीं पता चल जाती तो आप इस पर वीडियो ये कहकर मत बनाइए कि आपकी रूल बुक आ जाएगी 18/9/2018 को। तो यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो भी बना दिया है। तो मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर संविदा शिक्षक जो वर्ड यूज किया गया है, इस बार संविदा शिक्षक नाम से भर्ती नहीं आने वाली, नियमित शिक्षक के नाम से भर्ती आने वाली दोस्तों। तो यहाँ पे जो इमेज होती है, ये समझ में आती है कि ये फेक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये ट्विटर से ट्वीट किया गया था, उसके बाद इसे डिलीट कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर अगर संविदा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड संविदा शिक्षक भर्ती नाम से इस बार नहीं लाने वाली, नियमित शिक्षक के नाम से लाने वाली, तो नियमित शिक्षक ही यूज करने वाला है, संविदा शिक्षक तो कहीं से यूज नहीं करने वाला। तो यहाँ पर यह इमेज फेक समझ में आती है। ये उन यूट्यूबर्स के लिए था जो कि सीधे सीधे कुछ भी देखकर तुरंत वीडियो बना लेते हैं बिना समझे चीज़ों को। तो यहाँ पे ये था पहला अपडेट। अब दूसरा अपडेट की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। यहाँ पे सरकार का पीवी को फरमान भेज दिया गया है, आचार संहिता के पहले आपकी शिक्षक भर्ती आ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे फरमान जो भेजा गया, उसमें AKS भदौरिया जी का बयान भी आप पढ़ लीजिए कि परीक्षा का नियम, भर्ती नियम आ गए हैं, हम परीक्षा कराए जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम जारी हो सकता है। तो यहाँ पर उनके पास नियम नोटिफिकेशन के लिए आ चुका है, तो वो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस न्यूज़ में पूरी बात अगर मैं कर लूँ कि 40,000 भर्ती होने वाली है, और इसमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर सीधे सीधे ये दिया गया है कि अगर आचार संहिता के पहले पहले आपकी भर्ती दोस्तों आती है तो आपके परीक्षा होने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए वो चाह रहे हैं कि आचार संहिता के पहले पहले आपका भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाए और बाकी कार्यक्रम पूरे किए जा सके। तो यहाँ पे वही दिया गया है कि सरकार ने पीवी को फरमान भेज दिया है। और दोस्तों, अगर मैं बता दूं कि आचार संहिता के बाद भी इसका पीवी का नोटिफिकेशन आता है तो पेपर होने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। आपका पेपर 100% होना है, आप चिंता रहित होकर अपनी तैयारी कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा और आप तैयारी करके इसका पेपर निकाल लेंगे, तो मैं आपको बता दूँ आप बिल्कुल 100% गलत है। आप पेपर नहीं निकाल सकते, आपको पहले से पूरी इसकी तैयारी होनी चाहिए, तभी आप इसका पेपर निकाल पाएंगे। तो अपनी तैयारी पर जुट जाइए और वीडियो को जरूर दोस्तों लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा। 5 साल से चल रही भर्ती प्रक्रिया ये पूरी तरीके से रुकी हुई है, तो आप आने वाली है, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला लड़कियों के लिए, तो इससे अच्छा मौका नहीं होने वाला है। तो आप जुट जाइए। और मैं ये यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स मैंने देख रहा हूँ कि दूसरे राज्य के स्टूडेंट को FPR के लिए एलिजिबल नहीं होना चाहिए, तो इस पर आपका क्या सोचना है दोस्तों, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि दूसरे राज्य के स्टूडेंट इस भर्ती पर हो सके, एलिजिबल हो सके या ना हो सके। और यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन मांग लेता है तो ज़्यादा अच्छा होगा, कि सभी वर्गों के लिए तो नहीं, पर कुछ वर्गों के लिए अगर ग्रेजुएशन सिर्फ मांग लेता है तो बहुत से स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी यहाँ पे बेरोज़गारी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको पता चल सके कि कुछ यूट्यूबर्स कैसे फेक वीडियोज़ भी कभी कभी बना देते हैं। तो यहाँ पर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।